हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर आपने देखा होगा पति पत्नी का जब विवाद शुरू होता है तो पत्नी की कई ऐसी शर्तें होती हैं जो पति के लिए मानने योग्य नहीं होती हैं, या जिन्हें मान लेने से पति का काफ़ी नुकसान तो छोड़ दीजिए, उसकी अंतरात्मा जवाब नहीं देती, अंतरात्मा उसकी गवाही नहीं देती कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जैसे कि मान लिया जाए कि पत्नी अपने पति से यह शर्त रखे कि देखो, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर रह पाऊँगी, या एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने चलूँगी कि तुम्हारे माता पिता मेरे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि तुम अपने माता पिता से हटकर अलग रहो, अलग कमरा लेके रहो, भाड़े पे रहो, या अलग घर लेके रहो, जो भी हो, कुल मिला के पत्नी सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, या यूं कहें साझी गृहस्थी का हिस्सा नहीं रहना होना चाहती है। वो यही चाहती है कि मेरा पति मेरे साथ पूरी कमाई के साथ अलग रहे, वो अपने माता पिता से कोई मतलब ना रखे, उनकी कोई देख रेख ना करें। तो ऐसी स्थिति में पति के पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं करना क्या चाहिए, इसके बारे में वो बहुत हैरान परेशान होता है कि भाई पति को ये नहीं समझ आता है कि मैं अपने माता पिता को छोड़ूं कि पत्नी को छोड़ूं, पत्नी को छोड़ूं तो माता पिता नाराज, माता पिता को छोड़ूं तो मेरा परिवार यानी कि पत्नी नाराज। कुल मिला के उसकी ज़िंदगी इस तरह से हो जाती है कि वो चुनाव किसका करे, चयन किसका करे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी स्थिति से निकलने के लिए कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होना शुरू होते हैं, अब वो स्मोकिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, अल्कोहल वगैरह लेना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते। तो ये स्थितियाँ नहीं होंगी, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ अपना विनाश कर रहे हो, सर्वनाश कर रहे हो। इस परिस्थिति से निकलने का सबसे बेस्ट रास्ता आज मैं आपको बताऊँगा कि जब आपकी पत्नी आपसे ये कहे कि तुम मुझे अलग घर में ले चल के रहो, मेरे साथ अलग रहो, अपने माता पिता से कोई वास्ता सरोकार मत रखो, तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न आप भी उसके लिए छोड़िए, एक शर्त आप भी उसके लिए रखिए कि ये ठीक है, मैं अपने माता पिता से कोई वास्ता सरोकार नहीं रखूँगा, तुम्हें अलग लेके रहूँगा, तुमसे उनसे कोई मतलब नहीं होगा, मैं उनसे मिलने भी नहीं जाऊँगा, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी ये है कि तुम अपने माता पिता से भी नहीं मतलब रखोगी, उनसे फोन भी नहीं करोगी, उनसे मिलने भी नहीं जाओगी। यानी कुल मिला के यूं कहें, जो शर्त आपकी पत्नी ने आपके लिए रखी वही शर्त आप भी उसके लिए रख लो, किसी कीमत पे वो मानेगी नहीं आपके साथ आने से। अगर आपके साथ आने से मना कर दे या इस शर्त पे वो आना चाहे तो आप वेलकम करिए, अगर मना कर दे तो बिल्कुल भी आप कह दो जो तुम्हारी इच्छा जाओ करो, जो उसकी इच्छा जितना केस करना कर दे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी शर्त पे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको आपके माता पिता से अलग करना चाह रहा है या अलग होने के लिए बोल रहा है तो आप समझ लो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन वो आपका है। क्योंकि देखिए कहावत भी है भैया, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता च मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सभी तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ धाम जो है वो माता पिता का ही है, माता का ही है तीर्थ। सभी देवों में सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव माने सभी देवताओं में सबसे बड़े पिता हैं, आप समझो सभी देवताओं से बढ़कर पिता है, कोई देवता आप देखे नहीं हो, और जो हमें पैदा किया भाई वो हमारे लिए माता पिता जो हैं वो देवता से बढ़कर हैं, देवता तो हमने देखा ही नहीं है, लेकिन माता पिता तो हमारे प्रत्यक्ष सामने है ना।
इसीलिए कहा गया है कि सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता च मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते, कि माता पिता की पूजा सभी जगहों पे होनी चाहिए, होती है। कहने का मतलब ये कि जो भी व्यक्ति, माफ करिएगा ये लीगल चैनल है लेकिन कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा सामाजिक ज्ञान देने लगा कुछ दोहों के जरिए, लेकिन ठीक है जो भी है। तो आपको बता दें कि माता पिता से अलग करने वाली महिला कभी भी आपका हित नहीं सोच सकती न कर सकती है, इसलिए ऐसी शर्तों पे बिल्कुल भी समझौता ना करें। सीधे कह दें मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे, तुमको रहना है तो साथ रहो, नहीं रहना है तो जो तुम्हारी इच्छा वो करो, हम सब परिस्थितियों में तुमसे लड़ लेंगे। ऐसा नहीं मेरा कहना है भाई तुम मुकदमा शुरू कर दो, लड़ाई झगड़ा विवाह शुरू कर दो, नहीं। लेकिन माता पिता को दरकिनार करके, माता पिता पिता से समझौता करके अलग रह के, ये सब तो मेरे ख्याल से सामाजिक स्तर को नीचे ले जाएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई धन संपत्ति सब बेकार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर कोई सुझाव मुझे देना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो चलना चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, या आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब भी ले सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।